Okay, good morning guys. I'll be sharing a video with you on the cell cycle, which is a chapter number 16 in Cooper. This is a mixed video in Hindi and English. If you want the English version exclusively, you may move over to the next video. So इस वीडियो में मैं सेल बायोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ, और सेल बायोलॉजी के अंदर ये सेल साइकिल चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, विच इज चैप्टर नंबर 16। अच्छा, तो यू मे मस्ट बी नोइंग कि सेल डिवीजन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म, मे बी इट बी अ प्रोकैरियोट, मे बी इट बी अ यूकैरियोट, सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सब में होती है। बाकी या कल्चर मीडिया में डिवाइड करते हैं, वैसे भी डिवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड करते हैं। इवन कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा जो एक जायगोट, एक वन स्पर्म एंड वन एग मिक्स इन टू फॉर्म वन जायगोट, और वो जायगोट पूरी बॉडी के सेल्स को फॉर्म करता है। तो इट्स लाइक कि वन सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म सो मेनी सेल्स, एंड सेल डिविजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। दिस डायग्राम एक्चुअली इज डिपिक्टिंग द सेल साइकिल, और डिवीजन कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो तो इट मे टर्न अप टू डिजीज लाइक कैंसर। तो कौन सा सेल डिवाइड करना चाहिए, कौन सा सेल नहीं डिवाइड करना चाहिए, जैसे सेल्स कब डिवाइड करने चाहिए, कब नहीं डिवाइड करने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें एक कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर होती हैं। एक्चुअली दिस होल प्रोसेस नोन एज सेल साइकिल इज द प्रोसेस विच इज कंट्रोलिंग कि सेल, जस्ट अ सेकेंड, ऑल दिस एरर्स आर जस्ट डिस्टर्बिंग मी, ऑब्जेक्ट, ओके भाई। तो दिस साइकिल इज एक्चुअली कंट्रोलिंग कि सेल कब डिवाइड करना चाहिए, कब डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो दिस फेस कॉल्ड सेल साइकिल इज कंसिस्टेड ऑफ फोर पार्ट्स, वन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज दिस माइटोटिक फेस, और यू में से साइकिल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डजंट मैटर्स बिकॉज इट्स अ साइकिल, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, ग्रोथ, फर्स्ट सेल ग्रोस, पहले सेल ग्रो करेगा, फिर नेक्स्ट इज द एस फेस जो कि रेप्लिकेशन का फेस है, देन जी टू इज द सेकेंड ग्रोथ फेस, ग्रोथ फेस टू, एंड देन द डिविजन फेस। तो जी वन फेस में एज यू देखो बेसिकली बात है कि एक सेल जब डिवाइड होता है तो अपने जैसे दो सेल्स बनाता है, जिसमें डीएनए कंटेंट भी उतना ही होता है जितना इस सेल में रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पे ये सेल ग्रो कर रहा होगा अपने डबल साइज में, ताकि जब वो डिवाइड हो, ताकि अपने दो बराबर में वो डिवाइड हो सके। और दूसरी बात ये है कि ऑफकोर्स उसका डीएनए मटेरियल भी कहीं ना कहीं डबल हो रहा होगा, ताकि जब वो डिवाइड करे तो वो हाफ हाफ दोनों में जाए, यानी वो पुराना अपना कॉन्स्टेंट कर ले। यानी अगर वो 2n होगा तो कहीं ना कहीं वो 4n हो रहा होगा, और 4n होने के बाद जब वो डिवाइड हो रहा है तो वापस 2n हो रहा है वो। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इसमें दो चीज़ आ गई, एक तो ग्रोथ, ऊपर दूसरा रेप्लिकेशन। तो वो दोनों ही चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं इस माइटोसिस से पहले। तो जीवन में इट ग्रोस, ये ग्रोथ ज़रूरी है, सारे एंजाइम, सारे हार्मोन्स, सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करते हैं, सारे प्रोटीन्स इकट्ठा होता है, सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है इस सिंथेसिस फेस के लिए। रेप्लिकेशन के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो जीवन में इकट्ठा होगा, उसके बाद रेप्लिकेट करने के बाद इसका डीएनए जीनोम कॉपी बन जाएगी। फिर जी टू फेस में अगेन सेल ग्रो करेगा साइज में, और ज़्यादा ग्रो करेगा, और जब वो इस लायक हो जाएगा कि अब दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो सकता है, जिस साइज़ का वो पहले था, जैसे अगर 2 माइक्रॉन्स का था, अब ये 4 माइक्रॉन्स का अगर हो चुका है, वापस 2 माइक्रॉन्स, 2 माइक्रॉन्स से दो सेल मिल जाएंगे, तो ये डिवाइड कर जाएगा और माइटोटिक फेस में जाके डिवीजन हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक सेल साइकिल। और इसमें एक चीज़ जो याद करने की है भी, और है कि इस फेस को, G1 को, S को और G2 को हम मिलकर इंटरफेस कहते हैं, और ये M जो है बेसिकली माइटोटिक फेस है। तो G1 प्लस द सिंथेसिस फेस है, G2 इज कॉल्ड एज इंटरफेस, और एंड दिस इज M इज द बेसिक माइटोसिस और डिवीजन फेस। सबसे छोटा यही होता है 1 आवर का, G1 इज फॉर 11 आवर्स, S फेस 8 आवर्स का, और G2 इज फॉर 4 आवर्स। तो ये बेसिक एनिमल सेल के लिए है, और वेरियस सेल्स में ये वेरी भी कर सकता है। तो 24 आवर्स की हमारी सेल साइकिल, जिस लेकिन ये ज़रूरी नहीं है टाइमिंग यही हो,
हो सकता है टाइमिंग्स कम भी हो सकती हैं, और क्योंकि जैसे हमारा ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ दी एम्ब्रियोनिक सेल, जो कि एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियोनिक जो डिविजन्स होती हैं उसमें साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। मतलब कि अगर एक सेल 2 माइक्रॉन्स का है तो डिवाइड होकर 1 1 माइक्रॉन के 2 सेल्स बनेंगे, फिर हाफ ऑफ माइक्रॉन्स के 4 सेल्स, एंड लाइक दैट 0.25 के 8 आगे सेल्स। तो ये जो डिवीजन होता है इसमें साइज़ चेंज नहीं हो रहा, साइज़ बल्कि छोटा हो रहा है, और मगर डीएनए मटेरियल जो है वो मतलब कि डबल ज़रूर होता है, डबल होने के बाद फिर हाफ ज़रूर होता है। तो बट ऑब्वियसली इसलिए इस साइकिल में माइटोसिस फेज़ तो है, यानी डिवीजन फेज़ तो है, और रेप्लिकेशन फेज़ तो है क्योंकि रेप्लिकेट करना है अधिकांशी 2 न्यूक्लियस, ये तो है, लेकिन इसमें ग्रोथ फेज़ नहीं है, सेल ग्रो नहीं कर रहा, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये छोटी भी होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की होती है। तो दिस इज़ अ वेरिएशन इन दी सेल साइकिल। एंड नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज, ओके, दिस डायग्राम इज जस्ट शोइंग अबाउट द डीएनए कंटेंट एंड दी सेल्स। ओके, तो नाउ ये वाला एग्जांपल जो है ये बेसिक सा एग्जांपल है इसका, सैक्रोमाइसिस सर्वेसे का। इन दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जो सेल है वो, दिस इज ऑफ बडिंग एग्जांपल। बडिंग यू मस्ट बी नोइंग कि एक मदर सेल जो एक बड़े साइज़ का है वो छोटे छोटे साइज़ के बड्स को रिप्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है, तो इसमें डिवीजन इक्वल नहीं होता। ऐसा नहीं है एक मदर सेल डिवाइड होकर 2 बराबर के सेल बना रहा हो, बल्कि एक बड़ा सेल डिवाइड होकर छोटे छोटे डॉटर सेल्स बनाता है। तो इसमें दिस इज फॉर दिस सेल साइकिल इज फॉर ईस्ट। इसमें आप देख सकते हैं एन फेस बहुत बड़ा है और SG2 बहुत छोटा है, तो इसमें ऑल थिंग्स में वेरी, जो पहले एग्जाम्पल दिखाया था वो एनिमल सेल का। तो इसमें वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज नोन एज स्टार्ट G1 पे। ये स्टार्ट पॉइंट अगर क्रॉस हो जाता है तो इसका मतलब सेल डिवाइड करेगा, यानी वो बड्स बनेंगे। अगर ये स्टार्ट पॉइंट क्रॉस नहीं होता तो बड्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। मगर ये जो सेल है ये स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंडेंट होगा न्यूट्रिएंट्स पे, यानी क्या मेरे पास इनफ न्यूट्रिएंट्स है। ये दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय सेल कि क्या सेल के पास इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो डिवाइड कर सके, कहीं वो मेटिंग तो नहीं कर रहा। मेटिंग इन सेंस कि जब मीटिंग होती है तो इट शुड बी हैप्लॉइड, तो कहीं वो मीटिंग तो नहीं कर रहा, या क्या मेरे सेल का साइज इतना लार्ज है कि वो आगे डिवाइड हो सके। तो ये तीनों फैक्टर्स, दो फैक्टर्स जो कंट्रोल कर रहे हैं इस पॉइंट को, स्टार्ट पॉइंट। अगर इससे सेल क्रॉस हो जाता है तो पूरी डिवीजन होती है, वरना डिवीजन नहीं होती, वो जीवन में ही अरेस्ट हो जाता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्रोमाइसिस सर्वेसी, और सिमिलर सा एग्जाम्पल हमारे एनिमल सेल में भी है। लेकिन हमारे एनिमल सेल में जो यहाँ पर, जो कि आपने देखा कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था, हमारे यहाँ पर वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, उसे हम स्टार्ट नहीं कहते, उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। नेम में डिफरेंस है, काम वही है, बट और डिपेंडेंट ये होता है ग्रोथ फैक्टर्स में, जैसे वो न्यूट्रिएंट्स पे और मेटिंग पे और सेल साइज़ पे डिपेंडेंट था। दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ फैक्टर। अगर ग्रोथ फैक्टर से सिग्नल आया कि हाँ डिवाइड करो तो करो, अगर ग्रोथ फैक्टर से सिग्नल आया नहीं, या ग्रोथ फैक्टर से सिग्नल नहीं आया, इसका मतलब सेल को डिवाइड नहीं करना, ग्रोथ फैक्टर ही सिग्नल देता है डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से अगर सेल पास होता है तो वो डिवाइड करूँ जरूर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से पास नहीं होता तो वो डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि वो एक दूसरे फेस में चला जाएगा जिसे हम G0 फेस कहते हैं। ये G0 फेस इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेस। ये क्विसेंट फेस ऐसा फेस है जिसमें सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है, उसके अंदर सारे मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होते रहते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ज़रूरी नहीं बॉडी के जितने सारे सेल्स हैं वो जो है डिवाइड ही करें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जैसे हमारे नर्व सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते, दे आर ऑलरेडी बीन डिवाइडेड एंड डिफ्रेंशिएटेड, एंड फर्दर उनको डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर सेल डिफरेंशिएट कर चुका है तो वो डिवाइड बहुत कम करेगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएट नहीं किया है पूरी तरीके से तो उसका डिवीजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कैंसर, स्पेशली प्री माइलोटिक कैंसर, वेयर एक्चुअली डिफरेंशिएशन
को रोक दिया जाता है, जैसे जैसे डिवाइड डिवाइड करते रहते हैं। तो यू विल बी स्टडिंग दैट इन कैंसर, बट फिलहाल के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि सारे सेल्स डिवाइड नहीं करते, और दे मे बी इन दी G0 फेस और रेस्टिंग फेस, और ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, सो दीज आर बेसिक नंबर सेल्स बॉम्बे। ओके, सो यू कैन लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम जो है ये बता रहा है, अच्छा, कि सेल जो हमारी साइकिल है ना, वो पॉइंट पॉइंट पे चेक किया जाता है उसको, दैट्स कॉल्ड लाइक चेकिंग पॉइंट्स, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि सेल डिवाइड करना ज़रूरी है या थोड़ी देर उसे रोक दिया जाए कहीं पे। मान लीजिए कि हमारा DNA डैमेज है, तो वो यहाँ पे चेक होगा जीवन में, कि अगर DNA डैमेज हुआ तो वहाँ पे रुक जाएगी सेल साइकिल, इट विल बी अरेस्टेड अरेस्टेड फॉर सम टाइम। कब तक अरेस्ट रहेगी? जब तक वो डैमेज ठीक नहीं हो जाता, यानी DNA रिपेयर मैकेनिज्म जब तक अपना काम नहीं कर देता, थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसको यहाँ पर अपना काम करने के लिए, इसलिए यहाँ पे उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि अ चेकिंग पॉइंट, कि क्या डैमेज DNA तो पास नहीं हो रहा, क्योंकि अगला जो फेस है वो एस फेस है, रेप्लीकेटिंग फेस है। मान लीजिए अगर डैमेज DNA रेप्लीकेटिंग फेस में चला गया, तो डैमेज DNA रेप्लीकेट हो जाएगा, और डैमेज DNA रेप्लीकेट होके अगले सेल में पहुंच जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएगा, और दिस में लीड टू म्यूटेशंस और लीथल, दिस में भी लीथल। तो बहुत ज़रूरी है कि डैमेज DNA नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट फेस में ना पहुंचे। तो देर इज़ अ कंट्रोल मैकेनिज्म इन G1 फेस विच चेक्स फॉर द डैमेज DNA एंड गिव्स टाइम इनफ फॉर द DNA रिपेयर मैकेनिज्म टू वर्क आउट ऑन दिस डैमेज। एंड नेक्स्ट वी हैव एस फेस, अगेन द डैमेज DNA इज चेक्ड, अगर DNA डैमेज मिलता है फिर रुक जाता है सेल यहाँ पे, डिवीजन नहीं करता, और वहाँ पे उतना टाइम मिल जाता है ताकि कुछ ग्रोथ फैक्टर जो DNA रिपेयर मैकेनिज्म आए और इसको ठीक कर दें। और सिर्फ डैमेज DNA ही नहीं, एस फेस में अनरेप्लिकेटेड DNA भी चेक होगा। अनरेप्लिकेटेड DNA का मतलब है, मान लीजिए हमारे जीनोम्स में 15 जीन्स हैं और 10 जीन्स तो रेप्लीकेट हो गई, लेकिन 5 जीन्स नहीं हुई। तो जब वो सेल डिवाइड करेगा तो एक सेल के पास तो 15 जीन्स चली जाएंगी, मगर दूसरे सेल के पास सिर्फ 10 जीन्स ही जाएंगी, दिस में लीड टू म्यूटेशंस अगेन। सो कई जीन्स लिटर हो जाएंगे, उसके फंक्शन नहीं हो पाएंगे, उसके कारण देर में भी हजार्डस रिजल्ट्स। तो अनरेप्लीकेटेड DNA चेक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एस फेस में चेक होता है। नेक्स्ट G2 में भी सेम अनरेप्लीकेटेड DNA और DNA डैमेज चेक होगा, एंड एम फेस में क्रोमोजोम मिस अलाइंड तो नहीं है ये चेक होता है, अगर क्रोमोजोम्स मिस अलाइंड हैं तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोजोम अलाइनमेंट का जो बट ऑब्वियस मतलब ये बनता है कि डिवीजन से पहले क्रोमोजोम अलाइनमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रोमोजोम सही से अलाइन नहीं होंगे तो हो सकता है कुछ क्रोमोजोम, देखिए जैसे आई विल शो दिस वन। ओके, सो यू कैन सी हेयर, क्रोमोजोम अगर अलाइन मिस अलाइन होंगे तो जो क्रोमोजोम यहाँ जा रहे हैं, जो कि एक सेल में एक जब सेल डिवाइड होता है आधे यहाँ जाते हैं आधे यहाँ जाते हैं, तो अगर क्रोमोजोम मिस अलाइन होंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स पूरा का पूरा क्रोमोजोम एक सेल में चला जाएगा और बाकी और दूसरे सेल पे कुछ भी नहीं जाएगा, तो दिस में लीड टू म्यूटेशंस अगेन। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्रोमोजोम्स अलाइन है कि नहीं है। मान लीजिए क्रो ये ऑरेंज वाला अलाइन नहीं हुआ, ये यहाँ पे कहीं पे हुआ और ये अलाइन हुआ, ये तो सही से डिवाइड हो जाएगा, पर्पल आधा यहाँ आधा यहाँ, लेकिन ये ऑरेंज वाला यहाँ तो इस सेल में चला जाएगा या इस सेल में चला जाएगा, तो उससे म्यूटेशंस हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रोमोजोमल अलाइनमेंट चेक किया जाए, तो एम फेस में क्रोमोजोमल अलाइनमेंट चेक किया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दी चेक पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट ये डायग्राम जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि DNA रेप्लिकेशन एक ही बार हो। देखो, बट ऑब्वियस ये बात है, अगर DNA 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार रेप्लिकेट हो गया तो इट मे लीड टू पॉलीप्लॉइडी। अगर एक क्रोमोजोम 2n से 4n हो गया और 4n से 8n हो गया, तो जब वो डिवाइड करेगा इट मे लीड टू द प्रोजेनी और डॉटर सेल्स विच आर 4n, तो 2n के सेल ने 4n की प्रोजेनी बना दी, तो ये एक तरीके से पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार हो। इसके लिए चेक उसे करता है ये एमसीएम प्रोटीन। ये एमसीएम प्रोटीन G1 में, G2 में और एम फेस में इनहिबिटेड होता है, लेकिन ये सिर्फ एस फेस में यानी रेप्लिकेशन फेस में पहुंचने से पहले ही ORC जो यू मस्ट बी नोइंग ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। दिस एमसीएम हेलिकेज प्रोटीन बाइंड्स टू ORC, उसके बाद ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज आएगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। और ये स्टार्ट देते ही एमसीएम निकल जाएगा ताकि दोबारा जब सेल पूरा रेप्लिकेट होने के बाद वापस आए तो उसे एमसीएम ना मिले और वो रेप्लिकेशन वहीं रुक जाए। यानी रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार हो, इसको चेक करता है ये एमसीएम हेलिकेज प्रोटीन, इसीलिए इसको लाइसेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो दिस एमसीएम प्रोटीन एक्चुअली चेक्स की रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार हो, जो कि बहुत ज़रूरी है सेल की सेल का जीनोम मेंटेन करने के लिए। ओके एंड दिस इज ये एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है जिसमें फ्रॉग ऊसेट लिए गए थे और ये देखा गया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं G2 यानी ग्रोथ फेस 2 से माइटोटिक फेस में सेल को पहुंचाने के लिए। उन फैक्टर्स को एक्चुअली मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स कहा गया, और बाद में ये देखा गया कि वो मैच्योरिटी प्रोमोटिंग फैक्टर्स सिर्फ इसी सेल में नहीं बल्कि हर सेल में होते हैं और रेगुलेट करते हैं सेल को G2 से M फेस में पहुंचाने के लिए। और दिस इज़ एन एग्जांपल, दिस इज़ डायग्राम इज शोइंग कि कैसे डिस्कवरी हुई उन रेगुलेटर्स की जो कि रेगुलेट कर रहे हैं इस पूरी सेल साइकिल को। एक्चुअली CDC28 म्यूटेंट्स लिए गए। CDC28 एक जीन था जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट से देखे गए। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे परमिसिव टेम्परेचर में तो सेल डिवाइड करता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं बडिंग ईस्ट है, ईस्ट मतलब कि बड्स बना रही है, लेकिन दूसरा नॉन परमिसिव टेम्परेचर के अंदर ईस्ट जो है बड्स नहीं बना रही है, जो डिवीजन है वो रुका हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये CDC28 जो जीन है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग दिस सेल डिवीजन। अगर CDC28 एक्टिवेटेड होगा तो डिवीजन होगा, अगर एक्टिवेटेड नहीं होगा, रिप्रेस्ड होगा, तो ये डिवीजन नहीं होगा। तो बाद में ये CDC28 वॉज नोन एज CDK1, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 1, विच इज़ कंट्रोलिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन। तो दिस इज नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है पूरे चैप्टर का। ये जानना, इस डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट बट अब जो सेल हमारी साइकिल मैंने अभी तक डिस्कस करी है कि सेल साइकिल है, एम फेस है, G1 है, एस फेस है, G2 है, ये सारे फेसेस में सेल जीव सिंथेसिस फेस से G1 में जाएगा या G1 से एस में जाएगा या G2 से एम में जाएगा, वो कंट्रोल करते हैं ये साइक्लिन और CDK के कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि इनका अपना नाम ही है कि साइक्लिंस जो कि साइक्लिन प्रोटीन्स हैं, और CDK जिसे इनका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। काइनेसिस यू मस्ट बी नोइंग आर द प्रोटीन्स जो फॉस्फोरस ऐड करते हैं और एक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को। तो दे आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस जो कि साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फंक्शन के लिए, और फॉस्फोराइलेट करके या डीफॉस्फोराइलेट करके किसी भी चीज़ को, किसी एंजाइम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। और ये साइक्लिन बी और CDK1 के कॉम्प्लेक्स को ही हम मैच्योरिटी प्रोमोटिंग फैक्टर कहते हैं, जो कि साइकिल को G2 से M फेस में ले जाने के लिए रेगुलेट करता है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है? हो सिंपल ये रहा है कि साइक्लिन जाके CDK1 से बाइंड कर रहा है और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसका एक्युमुलेशन बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है 161 थ्रियोनिन पे। 161 थ्रियोनिन स्पेसिफिक है, ये इसी पे होगा, ना आगे ना पीछे। थ्रियोनिन 161 पे फॉस्फोराइलेशन होगा बाय अ एंजाइम नोन एज कैक। कैक यानी CDK एक्टिवेटिंग काइनेस, जो खुद एक CDK प्लस साइक्लिन से बना हुआ है। तो जैसे CDK एक्टिवेटिंग काइनेस जो कि 161 थ्रियोनिन पे फॉस्फोराइलेशन करता है। दूसरा एंजाइम है WEE जो कि टायरोसिन 15, 15th टायरोसिन अमीनो एसिड पे CDK1 के 15th टायरोसिन अमीनो एसिड को फॉस्फोराइलेट करता है। और अगर वो सेल एक वर्टिब्रेट सेल है तो उसमें थ्रियोनिन 14 भी फॉस्फोराइलेट होगा। वर्टिब्रेट में एक्सक्लू स्पेशली थ्रियोनिन 14 भी फॉस्फोराइलेट होता है। तो
तो ये तीनों फॉस्फोरिलेशन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद इट विल अंडरगो डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन होगा CDC25 एंजाइम से, वो डीफॉस्फोरिलेट करेगा तीनों को नहीं बल्कि इन दोनों को, ये टायरोसिन 15 और थ्रेयोनिन 14 जो है डीफॉस्फोरिलेट हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक्टिव फॉर्म में ये CDK1 साइक्लिन बी और थ्रेयोनिन 61 वाला फॉस्फेट रहेगा, और दिस इज़ एन एक्टिव फॉर्म, और इसी को हम एक्टिव MPF यानी मेच्योरिटी प्रोमोटिंग फैक्टर कहते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिविजन के लिए। ओके, सो दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिविजन। एंड नेक्स्ट स्टेज पे आते ये साइक्लिन बी विल डिग्रेड एंड रह जाएगा सिर्फ CDK1 विद फॉस्फेट, और CDK1 बाद में डीफॉस्फोरिलेट हो जाएगा और अगेन विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिविजन। तो दिस CDKs एंड साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्सेस आर एक्चुअली रेगुलेटिंग द सेल साइकिल। एंड दिस डायग्राम, अब ये डायग्राम जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये बता रहा है कि सेल साइकिल किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से साइक्लिंस और CDKs जो है रेगुलेट करते हैं, जिससे मैंने अभी बताया कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस और साइक्लिंस जो होते हैं वो उनका कॉम्प्लेक्स जो है मिलके रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। तो ईस्ट में एक ही टाइप का CDK है, दैट इज CDK1, और साइक्लिन दो टाइप के हैं, साइक्लिन एन और साइक्लिन बी, जो कि मिल के रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। ओके, तो जैसे इसमें आप कैन सी कि CDK1 और साइक्लिन एन का जो कॉम्प्लेक्स है वो G1 से S फेस में रेगुलेट करता है, कि G1 से S फेस में लेके जाता है, और S फेस से G2 में लेके जाने की जिम्मेदारी CDK1 और साइक्लिन B5 और साइक्लिन B6 की है, और G2 से M फेस में लेके जाने की जिम्मेदारी CDK1 साइक्लिन B1, 2, 3, 4 इन सब की है। तो इस तरीके से ईस्ट में रेगुलेशन होता है, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट एज डिस्कस्ड अर्लियर। लेकिन एनिमल सेल्स में इट्स डिफरेंट, एनिमल सेल्स में हमारे पास CDK1 है, हमारे पास CDK4 और CDK6 हैं, CDK2 भी है, तो तीन चार टाइप के CDK है, CDK1, CDK4 एंड 6, CDK एंड CDK2, एंड साइक्लिंस आर साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए एंड साइक्लिन बी। नाउ एनिमल सेल का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी दैट ये जो CDK4 है और CDK6 है ये साइक्लिन डी के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, और CDK4 और 6 अपना साइक्लिन डी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ये G1 से रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को पास कराता है, मतलब सेल G1 रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से पास होने के लिए उनको इसकी ज़रूरत है CDK4 और 6 और साइक्लिन डी के कॉम्प्लेक्स की। लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स उसको G1 से S में नहीं ले जा सकता, G1 से S में ले जाने के लिए CDK2 और साइक्लिन ई के कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, ठीक है। और नेक्स्ट सिंथेसिस फेस में उसे CDK2 और साइक्लिन ए के कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, लेकिन सिंथेसिस फेस से बाहर निकल के G2 फेस में आने के लिए उसको CDK1 और साइक्लिन ए के कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, और अगेन G2 फेस से M फेस में जाने के लिए उसे CDK1 के साथ साइक्लिन बी की ज़रूरत है, जिसका हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था वो CDK1 और साइक्लिन बी ही था, दैट इज़ दी मैच्योरिटी प्रमोटिंग फैक्टर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेल डिविजन। इसके बाद की बातें हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे, एंड अगेन आई विल बी रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन हर बहुत ज़्यादा होता है, हर मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेल पहले ग्रो करता है, फिर रेप्लिकेट करता है, फिर और ग्रो करता है, फिर डिवाइड होता है, चार फेज होते हैं, 1 आवर, 11 आवर, 8 आवर्स एंड 4 आवर्स के, और ज़रूरी नहीं यही फेज हो, ये एनिमल सेल का है, एम्ब्रियोनिक सेल में ये साइकिल छोटी होती है, जिसमें क्योंकि इसमें G1 और G2 फेज नहीं होते, सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ रेप्लिकेशन होता है, डिविजन होता है। और हमने पढ़ा कि सेल पहले 2n से 4n होता है, फिर वापस डिवाइड होने के बाद 2n और 2n के दो सेल्स बन जाते हैं। ईस्ट के अंदर स्टार्ट पॉइंट जो है रेगुलेटेड है, वो रेगुलेट होता है न्यूट्रिएंट्स, मेटिंग फैक्टर्स और सेल साइज के ऊपर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सेल्स इसी पे हों। जैसे हमारा एनिमल सेल्स है वो रेगुलेट होते हैं ग्रोथ फैक्टर से, ग्रोथ फैक्टर सिग्नल आएगा तो वो रेप्लिकेट करेगा, वरना रेप्लिकेट नहीं करेगा, करेगा
तो वो आगे एस फेस में पहुंच जाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो एक क्वेसेंट स्टेज यानी जी जी जीरो फेस में रह जाएगा। जी जीरो फेस एक ऐसी रेस्टिंग फेस है जिसमें सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिवेटेड रहता है लेकिन डिवाइड नहीं करता है। सेल साइकिल के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होते हैं ताकि कोई भी डीएनए डैमेज या कोई भी प्रॉब्लम वाला डीएनए हमारी बॉडी में रेप्लिकेट ना करे। इसलिए चार रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स है, एक जीवन में डैमेज डीएनए का, सिंथेसिस फेस में रेप्लिकेटेड और अनरेप्लिकेटेड डीएनए, और डैमेज डीएनए चेक होता है कहीं डीएनए अनरेप्लिकेटेड तो नहीं। फिर जी टू फेस में भी अनरेप्लिकेटेड और डैमेज डीएनए चेक होता है सेम लाइक एस फेस, और एम फेस में क्रोमोजोम मिस अलाइनमेंट चेक होता है कहीं क्रोमोजोम मिस अलाइन तो नहीं, कहीं एक क्रोमोजोम एक जगह दूसरा क्रोमोजोम मतलब कि दूसरी जगह ना पहुंच जाए या क्रोमोजोम बराबरी से बटें, ये जी एम फेस में रेगुलेट होता है। और चेक पॉइंट का फ़ायदा ये है कि टाइम मिल जाता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को अपना काम करने के लिए, परमानेंट अरेस्टेशन नहीं होती। और ये एमसीएम प्रोटीन से ख्याल रखता है कि रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार हो, क्योंकि अगर दो बार एक बार से ज़्यादा रेप्लिकेशन हो गई तो इट मे लीड टू पॉलीप्लॉइडी। मैच्योरिटी प्रोमोटिंग फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन फ्रॉगोसाइट्स जो कि जी टू से एम फेस में रेगुलेशन करते हैं, और सी डी के और साइक्लिन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं सेल डिवीजन के लिए। ये एक्सपेरिमेंट CDC28 के म्यूटेंट्स में किया गया था और देखा गया था कि ये म्यूटेंट्स जब डीएक्टिवेटेड होते हैं तो सेल डिवाइड नहीं करता, यानी ये जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेल डिवीजन के लिए, जिन्हें बाद में CDK1 नाम से जाना गया, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। और यही साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस साइक्लिन पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए। ये पहले फॉस्फोराइलेट होते हैं तीन पोजिशन पर, फिर डी फॉस्फोराइलेट होते हैं, दो फॉस्फेट हट जाते हैं, फिर इकलौता एक फॉस्फेट बचता है थ्रोरीन 161 जो कि एक्टिवेशन करता है, और वह एक्टिवेशन माइटोसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है। उस माइटोसिस करने के बाद साइक्लिन डिग्रेड हो जाता है, साइक्लिन ही नहीं रहा तो CDK भी अपना काम नहीं कर पाएगा, CDK भी हम डिफॉस्फोलेटेड होकर वापस अपनी डीएक्टिवेटेड फॉर्म में पहुंच जाता है। इनएक्टिवेट करने वाले कैक प्रोटीन है WE1 है, और डिफॉस्फोलेटेड करने वाला जो एंजाइम है वो CDC25 है, और इसे मैच्योरिटी प्रमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। एंड सेल साइकिल रेगुलेटेड है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस और साइक्लिन बी पे, अलग अलग टाइप के काइनेसिस और साइक्लिन के कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप की साइकिल्स को रेगुलेट करता है। इस तरीके से यू कैन सी दिस डायग्राम, CDK4/6 एंड साइक्लिन डी इज रेगुलेटिंग पासिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, फिर जी टू से एस में आने के लिए CDK2 और साइक्लिन ई चाहिए, CDK2 और साइक्लिन ए चाहिए एस फेस में रहने के लिए, एस से जी टू में जाने के लिए यू कैन सी दिस एरो CDK1 और साइक्लिन ए चाहिए, जी टू से एम में आने के लिए CDK1 और साइक्लिन बी चाहिए। तो इस तरीके से ये साइकिल्स रेगुलेट हो रही हैं यहाँ पे। एंड लास्ट थिंग विच आई विल बी डिस्कसिंग एंड कंप्लीटिंग दिस स्लाइड वुड बी इनहिबिटर्स। इन CDKs और साइक्लिन के कॉम्प्लेक्स को CDKs को इनहिबिट करते हैं ये INK4 फैमिली और CIP और KIP फैमिली। INK4 फैमिली जो है वो P15, P16, P18, P19 से कॉम्प्रोमाइज है, और ये CDK4 और CDK6 को इनहिबिट करती है, यानी ये सेल को जीवन में अरेस्ट कर सकती है। और CIP और KIP फैमिली जो है CDK1 और 2 को इनहिबिट करते हैं, इसके वजह से वो उसे G2 में या G2 से M में जाने के लिए या S फेस में जीवन में उसे रोक सकते हैं, क्योंकि CDK2 एंड साइक्लिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन टू बी G1 से S फेस में जाने के लिए। तो ये अलग अलग CDK1 और 2 को रेगुलेट करते हैं, इसलिए ये इन सेल साइकिल को रोक सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं सेल साइकिल को होने से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कैंसर सेल में ये वाले जो इनहिबिटर्स हैं ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये अगर डीएक्टिवेट हो गए तो सेल साइकिल रुकेगी नहीं, सेल साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। इसलिए दे आर ऑल्सो कैन बी सेड एज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो कि सेल साइकिल को रोक रहे हैं। तो ये इनहिबिट हो गए तो सेल साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी और दिस में लीड टू कैंसर। तो इसलिए इनहिबिटर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगेन रिमेंबर INK4 फैमिली इज इनहिबिटिंग CDK4 एंड CDK6, वेर एज CIP KIP फैमिली इज इनहिबिटिंग CDK1 एंड CDK2। एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो इसके बारे में कि कैसे हो रहा है रेगुलेशन, किस तरीके से नहीं हो रहा है, इसके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट टाइम में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके बाय, टेक केयर। And if you required any other video, you may mail me this. You may mail me or आप मुझे simple comments में भी लिख सकते हैं कि we want the a video on some other topic. Okay, thank you very much. Bye bye. Take care.